जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग एट द रेडियो के 19 महेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी यात्रा है रामनगर से हल्द्वानी एंड हल्द्वानी से रामनगर की ओर। तो बीच में जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये है जिम कॉर्बेट का एरिया। यहाँ का खूबसूरत दृश्य देखिए, हरे भरे पेड़ और बिल्कुल हरियाली। और ये देखिए रोड का बिल्कुल दृश्य, विहंगम दृश्य है यहाँ पर। ये पहाड़ के लिए जो है यहाँ पर एक स्टार्टिंग होता है पहाड़ के लिए। और ये हरा भरा देखो, बरसात जब से आई हुई है तो यहाँ पर हरियाली में चार चांद लगे हुए हैं। और ये कॉर्बेट का क्षेत्र है तो यहाँ पर ये हाथी, हिरण और टाइगर वगैरह का मिलना एक नॉर्मल बात है। बीच में शायद हमको एक टाइगर भी मिला था, तो अभी आपको एक झलक उसकी दिखाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें और कॉर्बेट टाइगर एरिया रिजर्व से गुजर रहे हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव है। ये देखिए टाइगर यहाँ पर एक देखा था हमने, फ़ोटो क्लिक की थी तो हमने वो यहाँ पर ऐड कर दी थी। और यहाँ पे हम निकल रहे हैं हल्द्वानी की तरफ को। और मैं इस वीडियो में हल्द्वानी एंड बैक का नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि बारिश बाहर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इतना ज़्यादा दिखाना संभव नहीं है। और मैं हल्का फुल्का व्यू भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आप नज़ारा देखिए कॉलेज रिजर्व का, जो कि बहुत ही विहंगम दृश्य है यहाँ का। ये कॉर्बेट रिजर्व को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। ये देखिए कितना मस्त अद्भुत नज़ारा, जैसे भारत का नक्शा होगा। ये देखिए मस्त, और ये देखिए ये थोड़ा आबादी क्षेत्र, यहाँ पर रोड के जस्ट बगल में ये लोग बसे हुए हमारे पहाड़ी लोग हैं। और इन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट एरिया है छोटा मोटा, जहाँ पर ज़रूरत की छोटी मोटी सामान है। और ये पुल जो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूँगा। ये शायद कल परसों बारिश में ये नीचे से थोड़ा इसका भूस्खलन हो गया था, ये आधा गिर चुका है। ये चकुलवा का पुल बोला जाता है इसको। और ये चकुलवा की मार्केट है। ये देखिए बहुत छोटे मोटे मतलब ज़रूरत का सामान यहाँ पे मिल जाता है। और ज़्यादा सामान के लिए हल्द्वानी या फिर कालाडूंगी की ओर रुख करते हैं ये लोग। ये चकुलवा मार्केट हो गई, बहुत अच्छा मौसम यहाँ पर है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, हल्की फुल्की ठंड का एहसास हो रहा है। और ये देखिए खेती बाड़ी कितनी अच्छी है यहाँ पर, कुछ बेल वगैरह बना रखे। और वहाँ आम का बगीचा सामने। और हम ये चकुलवा मार्केट को पार करते हुए निकल चुके हैं। यहाँ पर कालाडूंगी का एरिया लग रहा है। ये देखिए कालाडूंगी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और जस्ट राइट साइड में यहाँ पे मंदिर भी है हनुमान जी का। ये कालाडूंगी क्षेत्र, कालाडूंगी का एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि कालाडूंगी में लगभग हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आबादी क्षेत्र भी है, इसमें मार्केट का काफ़ी अच्छा एरिया है। ये देखिए कालाडूंगी मार्केट। Thank you.
ये अभी पूरा काला डूंगी क्षेत्र पड़ रहा है, मार्केट वाला एरिया। देहरादून 276 किलोमीटर, रामनगर 31 किलोमीटर है यहाँ से। बरसात के सीजन में ये एरिया में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि न ही गर्मी होती है और न ही ठंड होती है, पर अगर अपनी गाड़ी हो तो फिर बात ही कुछ और है। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, प्रणाम।